दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गाँव एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों को आई एम डी की तरफ से दस में से आठ की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 96 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा

उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों तो रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय पन का चोल में रह जाता है, मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदमी गैंगस्टर के जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी आपको आपके निजी सिनेमा घरों में प्रीमियम लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल तो जरूर जरूर तो काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी

काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकारे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करी की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा उपरेंद लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्त आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल ने दोस्तों इस मूवी को नाइनटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा

उपेंद्र लिमे रेमो डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम का काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और है, बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और इंटर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी है और रोटेन पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को नाइनटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा

उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ते लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करीरों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी अभी आपको आपके निजी सिनेमाघरों में इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुणाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नो की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को नाइनटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रेम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है। मगर अपने दोस्तों की अमीरी की अमीरी बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 96 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा

उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ डेढ़ सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करीरों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदमी गैंगस्टर के जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है। कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नई ने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गांव एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी आपको आपके निजी सिनेमा घरों में प्रीमियम लगा हुआ है तो आप आप कीजिएगा एक बार तो जरू जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात करते हैं इस को किया तो इस के जो काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों की रेटिंग के बारे में इस मूवी को तो आई तरफ से में से चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों को पांच में से तीन की रेटिंग दी

काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी का ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और है, बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा उपरेंद तो, उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदमी गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल ने दोस्तों इस मूवी को 96 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा

छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहां पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी का ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है। मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और है, बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में जाते हैं एक तरफ डॉन मेडोजा उपरेंद उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदमी गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गेंग... से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की की तरफ से 10 में से में रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल ने दोस्तों इस मूवी को नाइनटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा

उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर, जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है। मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और है, बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में जाते हैं एक तरफ डॉन मेडोजा उपरेंद उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गेंग... से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी अभी आपको आपके निजी सिनेमाघरों में इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने क्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 96 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी का ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा उपरेंद लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गांव एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी आपको आपके निजी सिनेमाघरों में इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर इस इस मूवी मूवी को को कर सकते हैं इस को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी

काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आप आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदमी गैंगस्टर के जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है और से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गांव एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी आपको आपके निजी सिनेमाघरों में इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से आठ की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन की रेटिंग दी

काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा का इंटेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय नकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी ज्यादा इस मूवी की जरूरत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम Open the lime डेमो डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय नकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गाँव एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को नाइनटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद इस मूवी की तो तो जरू जरूरत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं इस मूवी में स्टारिंग कास्ट के में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमो डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी का ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और है, बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदमी गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गाँव एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद इस मूवी की तो तो जरूरत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं इस मूवी में स्टारिंग कास्ट के में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है और से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों ने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गाँव एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी

काफ़ी बड़ी-बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आप आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय नकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह

इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को की की तरफ से दस में से में रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों को नाइनटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी का ज्यादा पसंद वाला है। आपको इस मूवी की तो तो जरू जरूरत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिव्यदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी का ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय अनकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और है, बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा लिमी है है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदमी गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी टेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी

को काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे ड्रेमो डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहां पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्ता आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय अनकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में की गई है। ये दोस्तों काफी आपको आपके निजी सिनेमाघरों में, में इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस को में से की रेटिंग दी है और पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों को नाइनटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया है का, एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी वाला है। आपको इस मूवी कीजिएगा तो तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय अनकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं और पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की काफी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिट टल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय अनकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है और से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में, में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नहीं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी

काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय अनकरे चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर है। खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम में गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की तो तो जरूरत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमो डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय चोल में रह जाता है, मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में जाते हैं एक तरफ है डोन मेडोजा उपरेंद तो, उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के इस जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकिन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गे... से बच पाते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी

काफी बडी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहां पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में ये दोस्तों मूवी मूवी रिलीज की गई है दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी अभी आपको आपके निजी सिनेमाघरों में इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने क्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों कुनाल खेमू जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से आठ पॉइंट चार की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को पांच में से तीन पॉइंट नौ की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने पिछहत्तर परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को नाइनटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की तो तो जरू जरूरत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़ी बड़ी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डी डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा का इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और पोस्ट से, मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा केस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम एक गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी बाईस मार्च दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड एक्सप्रेस जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये

तो एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी काफी का का इस मूवी कीजिएगा तो तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदम उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके निजी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय कर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है और से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मड गाँव एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मड गाँव एक्सप्रेस मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2024 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी मड गाँव एक्सप्रेस जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए हाल ही में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई है ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अभी

काफी बड़ी बडी कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कुणाल खेमू अविनाश तिवारी प्रतीक गांधी दिवेंदू शर्मा नोरा फतेही छाया कदमे उपेंद्र लिमे रेमू डिसूजा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे पच्चीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके ही निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है वहाँ पर इस मूवी का प्रीमियम लगा हुआ है और ये मूवी दोस्तों आपको आपकी डी नेटवर्क पर भी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है इस मूवी को दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है तो दोस्तों आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि डोडो दिवेंदु पिंकू प्रतीक गांधी और आयुष अविनाश तिवारी तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही तीनों का एक सपना था कि बालिग होने के बाद वे गोवा जाकर ऐस करेंगे मगर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया बड़े हो जाने के बाद आयुष और पिंकू विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं जबकि डोडो पिज्जा डिलीवरी बॉय कर चोल में रह जाता है मगर अपने दोस्तों की अमीरी की बराबरी करने के लिए वह फोटोशॉप की हुई तस्वीरों और झूठी पोस्ट से सोशल मीडिया पर खुद को रईस दिखाने के लिए एक फरेबी दुनिया गढ़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ए, उसके ये अमीर विदेशी दोस्त मुंबई आते हैं और गोवा जाने के बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर गोवा जाने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर पिंकू का बैग गणपत से एक्सचेंज हो जाता है पिंकू को जो बैग मिलता है उसमें एक पिस्तौल के साथ ढेर सारा खेस है कहानी में मजा तब और बढ़ जाता है जब गोवा एक्सप्रेस करने आए ये तीनों दोस्त कोकिन तस्करों की आपसी रंजिश में फंस जाते हैं एक तरफ है डॉन मेडोजा लिमी है तो दूसरी तरफ है उसकी खतरनाक गैंगस्टर एक्स वाइफ कांचन कॉमेडी छाया कदम गैंगस्टर के ऐसे जंजाल में उनका सामना नोरा फतेह से भी होता है जो उन्हें एक डॉक्टर रेमो डिसोजा से मिलवाती है मगर उसकी सच्चाई कुछ और है कोकीन की तस्करी के आरोप में फंसे ये तीनों दोस्त पुलिस और गैंगस्टर से बच पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए तो दोस्त आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत